हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से आईटी गियर पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कस्टम बिल्ड पीसी बनाने के स्टेप टू और स्टेप थ्री के बारे में, जो कि पहला स्टेप जो मैंने आपको हाउ टू इंस्टॉल सीपीयू प्रोसेसर वो आप बताया था मेरे प्रीवियस वीडियो पे, अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हो। उसके अलावा जो स्टेप टू है हाउ टू इंस्टॉल अ रैम, जो इसमें अभी रैम पॉपुलरली गेमिंग में दो टाइप की रैम आ रही है, DDR4 और DDR5 की, तो वो दोनों मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे इंस्टॉल करना है। उसके अलावा जो स्टेप थ्री है, आपको जब SSD NVMe SSD है वो इंस्टॉल करनी है तो आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास दो मदरबोर्ड है, मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। एक ये DDR5 मदरबोर्ड है और ये DDR4 मदरबोर्ड है। तो दोनों के रैम में क्या डिफरेंस होता है वो भी आपको दिखाता हूँ, कैसे आप पता कर सकते हो देख के कि ये DDR5 है या DDR4 रैम है। उसके बाद जो NVMe स्टोरेज है वो इसमें कैसे दिखा दें, जैसे कुछ मदरबोर्ड पे आप देख सकते हो, जैसे ये मदरबोर्ड है इसमें ऊपर एक हीट सिंक आता है, तो ये इसमें आप कैसे लगाना है वो आपको बताऊंगा। और एक ये जैसे ये मदरबोर्ड है इसमें ऊपर हीट सिंक नहीं है, तो आप डायरेक्ट कैसे इसमें लगा सकते हो, वो दोनों ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, वो दोनों मैं आपको वन बाई वन दिखाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं रैम के डिफरेंस से कि आपको DDR5 और DDR4 रैम में दोनों में मेजरली क्या डिफरेंस है, आप कैसे देख के इसको पहचान सकते हो कि ये DDR5 रैम है या DDR4 रैम है। तो सबसे पहले आप एक एक DDR5 रैम ले लो, जो कि मेरे पास अभी ये कॉर्सेर की डोमिनेटर RGB रैम है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, निकल जा। हाँ, ये कॉर्सेर की RGB रैम है, DDR5 रैम। तो जो इंटरफेस है वो ऑलमोस्ट सेम हाइट सेम लेंथ का रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद जो मेरे पास एक DDR4 कॉर्सेर की वेंजेंस रैम है, जो DDR4 रैम है, तो आप देखोगे तो ये आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि जो इसका इंटरफेस है वो एक साइड से थोड़ा बड़ा, एक साइड से थोड़ा छोटा है। तो आप ये देख के आप इजीली पता कर पाओगे कि ये DDR5 रैम कौन सी, DDR4 रैम कौन सी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये बोर्ड DDR5 बोर्ड है और जो एक और ये बोर्ड है MSI का वो DDR4 बोर्ड है। तो दोनों में लगाने का तरीका ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, दोनों तरफ जनरली कुछ कुछ बोर्ड के दोनों तरफ इस टाइप के स्लॉट रहते हैं जो आप निकाल सकते हो, जो आपको ओपन करना होता है। जब आप ये रैम लगाओगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली दब के क्लिक आवाज़ आएगी, मतलब आपकी रैम अच्छे से लग गई है। तो ये क्लिक आवाज़ इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना, अगर ये प्रॉपर नहीं बंद होगा तो आपका रैम वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक DDR5 रैम लगा के दिखा देता हूँ ये कैसे लगेगी। जो आप चार स्लॉट है, जनरली आप सिंगल रैम लगाते हो डुअल चैनल में या फोर क्वाड चैनल में लगा सकते हो। जनरली सजेशन यही रहता है कि अगर आपको एक 16GB रैम लगानी है तो आप उसको डुअल चैनल में लगाओ तो बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। तो मैं बाकी की ये बंद करता हूँ, जो आपको अभी एक रैम लगा के दिखा देता हूँ। तो ये लगाने के लिए आपको आप ये दोनों उसमें सेट करके जोर से दोनों तरफ प्रेस कीजिए, ये जो क्लिक की आवाज़ आई इसका मतलब आपकी रैम प्रॉपर लग गई है। आप वापस क्रॉस चेक भी कर सकते हो यहाँ से कि आपकी रैम लगी है नहीं लगी है। तो इसको डुअल बनाने के लिए आप ये एक स्लॉट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और एक स्लॉट जो मैं एक और आपको लगा के दिखा देता हूँ, जो जनरली A2 और B2 वाले स्लॉट में हम लगाते हैं जब हमको डुअल चैनल लगानी होती है। तो ये वाला पोर्शन जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जब आपकी रैम प्रॉपर लग जाएगी तो ये वाला अब दोनों तरफ से दबाओगे अच्छे से तो ये बंद हो जाता है, तो इसका मतलब आपकी रैम प्रॉपरली लग चुकी है, आपको रैम का एरर मोस्टली नहीं आएगा अगर रैम में कुछ फॉल्ट नहीं है तो। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप DDR4 रैम कैसे लगा सकते हो, उसका भी नॉर्मल प्रोसेस है, वो और इजी है क्योंकि लेंथ का डिफरेंस है, तो आप इजीली पता कर पाओगे कि कौन सा स्लाइड कौन सा सेट किस में डालना है। तो आप जब ये देखोगे तो इधर भी सेम वही है, इधर तरफ लेंथ ज़्यादा है इधर तरफ लेंथ कम है। तो जैसे आप मान लो इसमें लगा रहे हो तो दोनों साइड ओपन कर लो, जैसे पहले वाले DDR5 बोर्ड में सिर्फ एक तरफ ओपन करने का था, इसमें दोनों साइड ओपन करने का। तो आप ध्यान से देखो, आप जो ये स्लाइड है ये साइड इंटरफेस जो है ये बड़ा साइड है, तो मैं इसको इधर पे लगा रहा हूँ और ये आप ज़ोर से प्रेस कर दो और ये आपकी क्लिक की आवाज़ आई, मतलब आपका रैम इजीली फिट हो चुका है। तो सेम वे आप जब आप चैनल चेंज करोगे या डुअल चैनल लगाओगे तो आप सेम वैसे ही जैसे मैंने ये पैटर्न बताया आप उसमें लगा सकते हो। तो ये रैम का था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आपको SSD NVMe SSD या M.2 SATA SSD आपको कैसे लगाना है वो आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो ईजी मेथड है वो है ये, जहाँ पर आपको कोई हीट सिंक नहीं है, आप इस पर ईजीली कैसे लगाना है
तो अब वो आपको अब दिखते हैं। तो सबसे पहले आप जो रैम SSD में ये दो टाइप की रहती है, एक तो M.2 NVMe रहती है, एक M.2 SATA रहती है। तो आप वो कैसे पता कर सकते हो, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास M.2 SATA अभी है नहीं, तो इसमें सिंगल कट जो यहाँ पे रहेगा आपको होपफुली आपको दिख रहा होगा, तो जो ये सिंगल कट है उसका मतलब ये एक M.2 NVMe SSD है। तो ये M.2 SATA जो SSD रहती है उसमें यहाँ पे सेम इसी के जगह इधर पे भी एक डुअल कट रहता है। तो आप इससे आप इजीली पहचान सकते हो इंटरफेस से कि ये M.2 NVMe SSD है, M.2 SATA SSD है। तो इसको कैसे लगाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक सिंगल कट है, तो एक सिंगल गैप है यहाँ पे, तो जो आपका ये वाला गैप है वो फिल होगा, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। अगर SATA SSD है तब भी आप इसको सेम ऐसे लगा सकते हो, इधर तरफ वाला नहीं भी है तब भी आपका सेम वो काम करेगा इंटरफेस। तो आप ये यहाँ लगा के नॉर्मल यहाँ थोड़ा सा प्रेस करो, जो M.2 स्क्रू आपके मदरबोर्ड के साथ M.2 स्क्रू आते हैं जो कि छोटे से रहते हैं, जो आप यहाँ पे लगा के इजीली इसको फिक्स कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टाइट मत करना और एकदम ढीला भी मत छोड़ना ताकि आपके SSD को कोई किसी तरीके का डैमेज ना हो। तो नॉर्मल आप अच्छे से टाइट करके इसको रख सकते हो। बहुत सारे मदरबोर्ड पे जो एक और चीज़ रह गई, बहुत सारे मदरबोर्ड पे सिर्फ डायरेक्ट ऐसे वाले स्लॉट रहते हैं, तो आपके मदरबोर्ड के साथ जो इस पे लगने वाला ये जिस पे मैंने ये स्क्रू बैठाया वो अलग से आता है, ये वाला चीज़। तो आप ये वाला अलग से आपको यहाँ पे लगा सकते हो, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये बहुत सारे मदरबोर्ड के साथ ये अलग से ही आता है, तो जनरली मदरबोर्ड ऐसा आता है, तो आप ये यहाँ पे अलग से ये लगा के फिर उस पर जैसे मैंने SSD आपको लगा के दिखाया वैसे आप लगा सकते हो। तो अब बात करते हैं वो मदरबोर्ड की जिनमें हीट सिंक आता है SSD के लिए। तो कुछ इस तरीके का ये एक मदरबोर्ड है, तो अब इसको कैसे लगाना, तो सबसे पहले जो कि NZXT का बोर्ड है तो इसमें थोड़े से एस्थेटिक्स के लिए एक्स्ट्रा चीज़ रहती है, जनरली ये नहीं रहता है। तो मैं आपको ये जो हीट सिंक है वो पहले ओपन करना पड़ेगा आपको, तो सेम वही प्रोसेस है, स्क्रू घुमाइए दो और ये ओपन हो जाएगा। ये पहला स्क्रू निकल गया, ये सेम वैसे ये दूसरा स्क्रू निकल गया। तो ऑलमोस्ट सब मदरबोर्ड में दो स्क्रू रहते हैं, वो आप निकालो, ये मैग्नेटिक रहता है ये निकालो। इसके अंदर एक फिल्म रहती है, मतलब एक प्लास्टिक रहता है, ये आप निकाल देना, ये भूलना मत, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये लगी हुई आती है, तो ये निकाल देना SSD आप फिक्स करने से पहले। तो मैं पहले अभी इसको साइड करता हूँ, पहले हम SSD लगा के देखते हैं SSD लगेगी। जैसे ये मदरबोर्ड में ये भी डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है क्योंकि ये ऊपर एक प्लेट था तो वो ज़रूरी है। यहाँ पे आप ये देखो जहाँ पे सेम ये है वहीं पे ही ये, बस इतना ही करना है, ये आप इधर ऐसे कर दोगे। अभी रही बात इसकी, तो ये आप अच्छे से निकाल लेना, ये डायरेक्शन ऐसा है इसका, तो ये यहाँ पे ये लग गया। उसके बाद दोनों तरफ जो स्क्रू थे वो आप स्क्रू लगा दो, अगेन बहुत ज़्यादा टाइट नहीं और एकदम ढीला भी नहीं। इस तरीके से आपकी जित जहाँ पे हीट सिंक है अलग से मदरबोर्ड में वो वाली SSD लगाने के लिए ऑप्शन रहता है, ये वापस आप ये कवर लगा दो। तो ये हो गया आपकी NVMe SSD लगाने के लिए, कैसे लगा सकते हो। तो रैम कैसे लगाना, DDR4 DDR5 में क्या डिफरेंस है कैसे पता कर सकते हो, SSD कैसे लगाना, NVMe और SATA M.2 SATA SSD में क्या डिफरेंस है वो देखने के लिए, तो आप इस तरीके से इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और आप लगा सकते हो। इसको लगाने में और कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको या कुछ डिफिकल्ट है तो आप कमेंट्स पे लिखो या हमको पिंग करो, हम हेल्प करेंगे। उसके अलावा ये Step 2 और Step 3 थे कस्टम बिल्ड PC बनाने के लिए। पहला स्टेप था आपका प्रोसेसर लगाने का, वो वीडियो अगर आपने अभी भी नहीं देखा और आप बिल्ड चालू करने वाला हो तो वो वीडियो भी देख लो, और ये वीडियो भी अच्छे से देख के आगे हमारे जो और वीडियो आने वाले हैं स्टेप बाई स्टेप उनको आप DaiTigger को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकॉन पे क्लिक करके रखो, तो जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेंगे वो हम डालते रहेंगे और आप तक आते रहेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।